एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड. तो इमेजिन करो कि एक बार मैग्नेट है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है. तो ये मान नॉर्थ पोल है, पोल स्ट्रेंथ एम. ये साउथ पोल है, पोल स्ट्रेंथ एम. ये लो. अब मेरे को एक चीज पता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करें तो ई क्या होता था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज. मैग्नेटिक फील्ड में बी क्या बनेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पोल स्ट्रेंथ. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ की वैल्यू क्या आएगी, क्यू टाइम्स ई. और यहां पर क्या आएगी, एफ की वैल्यू क्या आएगी, एम इंटू बी. एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू एम बी. तो अगर कोई पोल स्ट्रेंथ एम गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट पोल इज इक्वल टू एम इंटू बी लगा देना. अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. देखो कैसे, इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करेंगे. आपका ये एक बार मैग्नेट ने एक्सटर्नल फील्ड, ये ब्लैक कलर का एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने यहां पर नॉर्थ लगाया होगा और कहीं ना कहीं यहां मैंने एक्सटर्नल साउथ लगाया होगा. तभी तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है. तो ये बाय डिफॉल्ट है. अब एक चीज बताओ, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ है, बार मैग्नेट का नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स साउथ. तो फोर्स लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी एम. और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी एम बी. उसी तरीके से फोर्स यहां भी लगेगी, कितनी लगेगी, एम इंटू बी, एम बी एम बी. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, एम बी और एम बी. तो एक फोर्स राइट, एक फोर्स लेफ्ट लगेगी. अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर ये दो पैरेलल, ये जो दो हैं वो पैरेलल फोर्सेस हैं और ये एंगल कितना है, थीटा. तो ये पैरेलल फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, क्योंकि मैग्नेट की लेंथ 2L है, ये थीटा है, तो ये हाइट क्या होगी, 2L साइन थीटा. तो टॉर्क क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू m into 2l into b into sin theta. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल m. m into 2l क्या होता है, कैपिटल m b sin theta. योर टॉर्क वेक्टर विल बी इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो ये एक्सप्रेशन है किसका, टॉर्क का. तो जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था p क्रॉस e. इसमें p की जगह कैपिटल m और e की जगह p, तो e क्रॉस p. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है. तो टॉर्क एक्सप्रेशन हो जाएगा इसमें.